नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद उनकी जेठानी शुभ्रा मौर्य ने भी ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुभ्रा मौर्य सरकारी स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने भी ज्योति मौर्य की तरह ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। शुभ्रा मौर्य ने इस मामले में प्रयागराज के धूमनगंज कोतवाली में एडीएस ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य समेत ससुराल के सात अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य प्राइमरी स्कूल में टीचर है। उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज, उत्पीड़न, प्रताड़ना, धमकी दिए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। शुभ्रा मौर्य की शिकायत पर उनके पति विनोद मौर्य, ससुर राम मुरारी मौर्य, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्य, जेठानी प्रियंका मौर्य, देवर आलोक मौर्य समेत एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 377, 354, 452, 323, 504, 506, 427 और दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने भी अपने पति आलोक मौर्य व ससुराल वालों के खिलाफ लगभग इसी तरह के आरोप लगाकर धूमनगंज थाने में ही मई महीने में एफआईआर दर्ज कराई। ज्योति मौर्य और आलोक के बीच का विवाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में रहा था। आलोक मौर्य ने भी अपनी पत्नी पर मनीष दुबे से अफेयर होने और उसे जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।